बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको कमीज़ के घेरे पे लेस अटैच करके दिखाऊंगी। इस पट्टी के ऊपर पहले लेस अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। इस तरह की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए पहले लेस अटैच करूँगी, बाद में कमीज़ के ऊपर अटैच करूँगी। ये लेस मैं यहाँ पे अटैच करनी है मैंने। सीधी साइड जो है ऊपर वाली साइड को रखनी है और उल्टी साइड जो है नीचे वाली साइड पे रखनी है और ये लेस अटैच कर लेनी है। ये बहुत ही आसानी से लेस लग भी जाती है और लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। ये गुम सिलाई के साथ लेस लगेगी इस तरह से। ये सारी लेस मैंने अटैच कर दी है। अब इस तरह से इसे मोड़ते हुए घेरे के ऊपर रखूंगी। यहाँ पे चौक वाली साइड पे यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई ख़त्म होती है, वहाँ पे 1 इंच ऊपर रखते हुए अटैच करूंगी इस तरह से। और जो कपड़ा मैंने इसके साथ जोड़ा है उसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। जिस तरह से हम पलटा अटैच करते हैं उसी तरह से ये लैस लगेगी। अब यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करूँगी और इस कपड़े को बैक साइड को मोड़ूँगी इस तरह से रखते हुए। बैक साइड से जो कपड़ा मैंने मोड़ते हुए हैंड स्टिच करना है वो वाला कपड़ा मोड़ते हुए यहाँ पे नोक बना दूँगी इसकी। इस तरह से सीधा करने से भी इसकी नोक बन जाती है बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई को बाहर निकाल दूंगी। और कपड़े को बैक साइड को मोड़ लूँगी इस तरह से, लेस को बाहर निकाल लूँगी और बैक साइड से अजाफी कपड़ा जो मैंने मोड़ना है वो वाला भी यहाँ पे मोड़ दूँगी। इसी तरह से सारी कमीज़ के ऊपर लेस अटैच कर लूँगी फ्रंट साइड और बैक साइड पे। यहाँ से अजाफी पीस जो है ऊपर वाला कटाई कर दूंगी और इस कपड़े को मोड़ लूंगी। इस तरह से इसकी नोक बन गई है बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे इसी तरह से सारे कपड़े को मोड़ते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूंगी। यहाँ पे पहले बिठा लूँगी कपड़े को, अब नीचे वाली साइड पे कपड़े को मोड़ते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूँगी। इस्त्री से मैंने इसे प्रेस कर लिया। अब इसको मैं हैंड स्टिच करूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं। ये सारी कमीज़ को मैंने हैंड स्टिच कर ली है। अब मैं फ्रंट साइड पे पट्टी अटैच करूँगी ये वाले कपड़े की।
बॉर्डर की साइड भी, जो बॉर्डर की साइड से ही पीस निकला था इस तरह का, इस पीस को मैंने निकाल लिया। अब इसे मैंने डबल फोल्ड करते हुए इस्त्री से प्रेस कर लिया, नीचे से भी मैंने इसे मोड़ लिया। अब यहाँ पे रखते हुए इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इसकी जो मैंने लेस अटैच की है उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करें ड्रेस के ऊपर तो उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी कमीज़ बन जाएगी। यहाँ 1 इंच ऊपर तक मैंने ये सिलाई लगा दी है और ऊपर वाली साइड से भी मैंने मोड़ के इस तरीके से प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी। लैस के किनारे किनारे के ऊपर तक मैंने ये कपड़ा रखा है। ये पट्टी मैंने फ्रंट साइड पे ही अटैच करनी है। लेस और पट्टी मैंने अटैच कर दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक बन गई है। ये बैक साइड पे मैंने जो पट्टी अटैच की है यहाँ से नोक भी बहुत अच्छे से मुड़ गई है। इसकी लेस की वीडियो मैंने अलहदा से अपलोड की हुई है। इस तरह से बैक साइड से बहुत सफाई से काम हुआ है। ये मैंने अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा मोड़ा है उसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा आई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कमीज़ बन गई है। बाजुओं के ऊपर भी मैंने गुमल सिलाई के साथ ही लेस अटैच की थी। इस तरह से बाजू भी बहुत ही प्यारे बन गए हैं। गले की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है ये। इसके साथ मैं प्लाजो तैयार करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके चाक भी बहुत ही अच्छे से बन गए हैं।